हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का आरंभ है प्रचंड सेशन में भी स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल स्पेशल आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड नाम से एक सेशन लॉन्च किया गया है। इस सेशन में हम तीन क्लासेज पे बात कर चुके हैं। तीनों क्लासेज में हमने जो भारत का भूगोल है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर चुके हैं। और आगे भी है जो आरंभ है प्रचंड नाम जो सेशन आप सभी के लिए दोस्तों लॉन्च किया गया है, उसमें आज का सेशन जीके जीएस मैराथन नंबर 4 का होने वाला है। जी हाँ, पार्ट 4 है। मैं आशा करता हूँ आप सभी जो पार्ट तीनों देखने के बाद आज पार्ट 4 में प्रवेश कर रहे होंगे। और दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, यही मेरा निवेदन है। और दोस्तों, आप जब कभी भी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए दोस्तों, जो हर एग्जाम के लिए दोस्तों, अभी जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम है, जब तक आपकी एसएससी सीजीएल की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले हैं। और दोस्तों, आप और हम मिलकर जब इस प्रकार एक वे के अंदर कार्य करते चलेंगे तो जो आपने जो दृढ़ संकल्प एसएससी सीजीएल 2022 के लिए कर रखा है वह बहुत जल्द ही पूरा कर पाएंगे। चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज का सेशन को आरंभ करते हैं और बात करने वाले हैं। सबसे पहले, जो पिछली क्लास में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात की, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। जी हाँ, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उनमें जैसे प्रथम है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है पश्चिमी मरुस्थल, चौथे भी बात की जाए तो प्रायद्वीपीय पटा रहता है, पांचवें नंबर पे आता है तटीय मैदान और छठे नंबर पर द्वीप समूह आता है। इस प्रकार हम बात कर चुके हैं। और हमने बात की उत्तर का, जो पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, इसके हमने तीन पार्ट देखे हैं। तीन पार्ट में एक पार्ट पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के सेशन में आज दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। पहला जो उत्तर का पर्वतीय भाग है उसमें आता है ट्रांस हिमालय। जी हाँ, ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के बाद में दोस्तों जो दूसरा पार्ट है वह हिमालय आता है, हिमालय आता है। फिर तीसरा जो पार्ट हम देखने वाले हैं पूर्वांचल हिमालय। जी हाँ, पूर्वांचल हिमालय इसका तीसरा पार्ट है, यह भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इनमें से हमने जो ट्रांस हिमालय के ऊपर बात कर चुकी है कल के जो क्लास हुई उसमें, इसको तीन भागों में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जी हाँ, तीन भागों में बांट चुके हैं। काराकोरम है, यह है लद्दाख और यह है जास्कर। जी हाँ, जास्कर पर्वत श्रेणी, यह ट्रांस हिमालय के भाग है। आज के सेशन में हम विशेष तौर पर बात करने वाले हिमालय पे। हिमालय को भी तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें जो प्रथम भाग है वह है दोस्तों वृहद हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है, और जो दूसरा है उसे मध्य हिमालय कहा जाता है, और अंत में जो अंतिम पे बात करेंगे उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। आज के सेशन के में हम जो बात करने वाले हैं वह हिमालय पे बात करेंगे। हिमालय में सबसे पहले वृद्ध या महान हिमालय पे बात करेंगे, फिर उसके बाद मध्य हिमालय पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वह काफी आपके लिए दोस्तों एग्जाम के लिए काफी मददगार होने वाला है, क्योंकि जो भारत के भौतिक प्रदेशों से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, इसीलिए यह आपके लिए दोस्तों जो काफी खास सेशन होने वाला है। और आपसे एक छोटा सा निवेदन और है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो आपकी आने वाली हर एग्जाम की तैयारी यहाँ पे, चाहे इंडिया जीके हो, स्टैटिक्स हो या करंट अफेयर हो, दोस्तों सभी की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों बिना समय खराब करते हुए आज के सेशन का आरंभ करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पे बात करेंगे। जी हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला पे बात करने से पहले हम यहाँ पे कुछ तथ्यों पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। जी हाँ, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों, यह है जो एसएससी की जो 2018 में एग्जाम थी, उसमें मैंने भी एग्जाम उस पर पार्टिसिपेट किया था, और उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला दोस्तों हिमालय आती है। और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला, विश्व की प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। नवीन के बारे में पूछा जाए तो आज के बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है, और यह दोस्तों एसएससी का प्रिय क्वेश्चन है, वह काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है। दोस्तों, फिर उसके बाद में अन्य फैक्ट के बारे में बात करें तो अन्य फैक्ट है हिमालय का जो निर्माण है। जी हाँ, इसके निर्माण संबंधित बात करते हैं। तो हिमालय का निर्माण है जो यूरेशियन प्लेट, जी हाँ, यूरेशियन प्लेट
तथा इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के संपीड़न बल से हुआ है। जी हाँ, के संपीड़न संपीड़न बल से हुआ है, बल से हुआ है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हिमालय का निर्माण है वह दो प्लेट है, एक है यूरेशियन प्लेट और एक है दोस्तों इंडियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के संपीड़न से इसका निर्माण हुआ है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका निर्माण संबंधित भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। हिमालय का निर्माण टेटिस सागर की भूसन्नति से हुआ है। जी हाँ, जो हिमालय का निर्माण है, हिमालय से संबंधित एक फैक्ट और है कि हिमालय का निर्माण टेटिस सागर की भूसन्नति से हुआ है। जी हाँ, टेटिस सागर की भूसन्नति से हुआ है, सन्नति से हुआ है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो टेटिस सागर है इसकी भूसन्नति से हिमालय का निर्माण हुआ है। और दोस्तों हिमालय से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिमालय का पालनहार किसे कहा जाता है। तो हिमालय का पालनहार है जो दोस्तों टेटिस सागर को कहा जाता है, टेटिस सागर को ही हिमालय का पालनहार कहा जाता है। और दोस्तों और बात की जाए कि इसकी उत्पत्ति है जो सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में हुई है। जी हाँ, इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, निर्माण की बात कर चुके हैं तो उत्पत्ति की बात करते हैं कि जो उत्पत्ति है कौन से महाकल्प में हुई है, तो सीनोजोइक, जी हाँ, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और जो सीनोजोइक महाकल्प है दोस्तों, सीनोजोइक महाकल्प है लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले हुआ करता था। जी हाँ, तो हिमालय की उत्पत्ति 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले की है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली जो कि गुजरात के पालमपुर से आरंभ होकर दोस्तों दिल्ली की रायसीना हिल्स तक, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उसे अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला ही विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों। नवीन वलित पर्वत एक बार फिर से आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप होता है कि विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आपका आंसर होना चाहिए हिमालय। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ से अरावली। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी यहाँ से समझ चुके होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, आपकी यहाँ पे 100% समस्याओं का सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं, अब जो और क्या तथ्य है उसके ऊपर बात करते हैं। तो तथ्यों में बात की जाए, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए हिमालय। दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो जो आपके सामने लाइन लिखाई जा रही है दोस्तों उनसे सभी से क्वेश्चन पुटअप होता है। और वह क्वेश्चन SSC में पूछा भी जा चुका है, जैसे हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो विश्व की आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए हिमालय। और हिमालय की इसकी औसतन ऊंचाई की बात की जाए, जी हाँ, हिमालय की औसतन ऊंचाई होती है दोस्तों 6000 के समथिंग, 6000 मीटर इसकी जो औसतन ऊंचाई होती है। फिर बात करें विश्व की तीसरी सबसे, यहाँ पे बात की जाए कि विश्व का इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों यह लंबाई के आधार पर लंबा पर्वत कौन सा है, पर्वत कौन सा है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि ऊंचाई के संदर्भ में क्वेश्चन पुटअप होता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए हिमालय। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विश्व के सबसे लंबे पर्वत की, जो है एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है आप सभी को पता है, एंडीज पर्वत है जो दक्षिणी अमेरिका, जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत स्थित है। फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, वह है रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत दूसरा विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, इसकी स्थिति है जो उत्तरी अमेरिका में है, जी हाँ, उत्तरी अमेरिका में इसकी स्थिति है। फिर तीसरे नंबर पर आता है हिमालय, जी हाँ, तीसरे नंबर पर आता है हिमालय। और हिमालय आप सभी को पता है जी इसकी स्थिति है एशिया महाद्वीप में है,
एशिया महाद्वीप में है, क्योंकि हिमालय की स्थिति है तो तीन, जैसे भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, चीन में है, इस प्रकार से इसकी दोस्तों स्थिति है, हिमालय की स्थिति इस प्रकार है, इसलिए यह प्रॉपर एक देश का नाम नहीं आता, एशिया महाद्वीप का नाम आने वाला है। तो यहाँ से हिमालय हो चुका है। फिर अब बात की जाए चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है वह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जी हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यह है विश्व का सबसे चौथा लंबा पर्वत है। जी हाँ, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से एक बार आप सभी के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, तो वह हिमालय है, जिसका औसतन ऊंचाई 6,000 मीटर है। और क्वेश्चन लंबाई के संदर्भ में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है पहला एंडीज पर्वत है, दूसरे नंबर पर रॉकी पर्वत है, तीसरे नंबर पर आता है हिमालय जो कि एशिया में है, और चौथे नंबर पर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ से किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिमालय पे। तो हिमालय पे आप सभी को पता है हिमालय की जो तीन भागों में बांटा गया है, जी हाँ तीन भागों में बांटा गया है, पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा है लघु या शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं इन तीनों का, बिल्कुल क्रमवाइज विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले महान हिमालय के ऊपर बात करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले महान हिमालय पे बात करते हैं। चलिए महान हिमालय का उपनाम क्या क्या है, और महान हिमालय को ही वृहद हिमालय, जी हाँ वृहद हिमालय भी कहा जाता है, या इसको जो हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो आपको यह नाम, इनके उपनाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर होता है जो बिल्कुल इस प्रकार से हिमाद्री हिमालय देकर आपसे पूछ सकता है, कुछ भी यहाँ से पुटअप करवा सकता है। चलिए अब यहाँ पे महान हिमालय पे बात करते हैं, इसके फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या इससे संबंधित फैक्ट और क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो महान हिमालय है, उत्तर पश्चिम में हिमालय की जो चौड़ाई है, जी हाँ उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई 500 किलोमीटर से अधिक है, जी हाँ 500 किलोमीटर से अधिक, तथा दक्षिण पूर्व की बात की जाए या उत्तर पूर्व की बात की जाए, जी हाँ उत्तर पूर्व में हिमालय की बात करें तो यह है इधर हिमालय 150 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, जी हाँ कम चौड़ा है। तो दोस्तों यह जो फैक्ट लिखा गया उसका क्या उद्देश्य है, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है जो हिमालय की स्थिति है, इस प्रकार से हिमालय की स्थिति है, यह बिल्कुल धनुषाकार बना हुआ है। फिर उसके बाद में जो यहाँ से आता है जो मध्य हिमालय, इस प्रकार से आता है मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय इस प्रकार से आता है। तो दोस्तों यह कह रहा है उत्तर पश्चिम में जो हिमालय की चौड़ाई से यहाँ से यहाँ तक यह 500 किलोमीटर से भी अधिक की चौड़ाई है, जबकि इधर जो उत्तर पूर्व में आने पर इसकी जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। तो यहाँ से इस फैक्ट का आंसर यहाँ से देना है दोस्तों, इस प्रकार से आपको बिल्कुल चित्र के माध्यम से समझाया गया है। चलिए अगले फैक्ट के बारे में बात करें, तो अगला फैक्ट है कि हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, जी हाँ हिमालय की लंबाई है जो 2500 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस लंबाई की गणना कहाँ से की गई है, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जो नामचा बरुआ पर्वत तक की इसकी लंबाई की गणना की गई है, यह नामचा बरुआ पर्वत तक है। तो दोस्तों नंगा पर्वत की बात की जाए तो यह अभी हाल ही में जो पीओके है पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जबकि जो नामचा बरुआ पर्वत है यह भारत के जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हिमालय की 2500 किलोमीटर की लंबाई की गणना की जाती है वह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक की जाती है, और नंगा पर्वत पीओके में स्थित है, जबकि जो नामचा बरुआ पर्वत है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपसे यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट है विश्व के सर्वोच्च शिखर, जी हाँ महान हिमालय में स्थित है, तो विश्व के सर्वोच्च शिखर हिमालय में स्थित है वह सभी के सभी महान हिमालय में ही स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ से हम बात करने वाले हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व की सर्वोच्च शिखर है वह किस हिमालय में है। हिमालय के अंदर तो है, लेकिन हिमालय का भी तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, लघु या शिवालिक हिमालय है। तो जो सर्वोच्च शिखर है वह हिमालय के जो पहला भाग है महान हिमालय उसमें है दोस्तों, यहाँ पे स्थित है। तो अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं इन सभी पर्वतों की दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो विश्व की सबसे ऊंची शिखर है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये है जो महान हिमालय को ड्रॉ किया गया है, जी हाँ यह जो महान हिमालय है। अब इस महान हिमालय पे कौन कौन से दोस्तों पर ऊंची चोटियां हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह जो पर्वत है यह है नंगा पर्वत, जी हाँ नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की स्थिति जो वर्तमान में स्थिति है वह पीओके में है, जी हाँ पीओके में है इसकी स्थिति। फिर आता है इसके बाद में कामेत, जी हाँ यह इसका नाम है कामेत, कामेत पर्वत है। कामेत के बाद में आता है त्रिशूल, जी हाँ त्रिशूल है। फिर आता है त्रिशूल, त्रिशूल के बाद में आता है नंदा देवी, जी हाँ यह है नंदा देवी पर्वत। ये सभी तीनों जो पहाड़ियां हैं इसकी स्थिति जो भारत के उत्तराखंड राज्य दोस्तों, यहाँ से देखना है ये यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये यूके उत्तराखंड है दोस्तों, यह है उत्तराखंड लिखा गया है शॉर्ट ट्रिक में, यूके लिखते हैं इसको। यहाँ हम उत्तराखंड की बात कर चुके हैं। फिर आता है अन्नपूर्णा, जी हाँ फिर आता है अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत के बाद में आता है धौलागिरी, जी हाँ फिर आता है धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में पर्वत आता है मकालू, जी हाँ यहाँ से यह पर्वत है, यह जो है मकालू, जी हाँ यह मकालू पर्वत है। मकालू पर्वत के बाद में आता है दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जी हाँ माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट के बाद में आती है एक चोटी मनसालू, जी हाँ यह है मनसालू चोटी है यह दोस्तों। अन्नपूर्णा से आरंभ होकर जो मनसालू तक जितनी भी चोटियां हैं यह सभी नेपाल देश में आती है, जी हाँ यह सभी जो पर्वत जो दोस्तों पर्वत का सर्वोच्च शिखर है यह है नेपाल में आता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एक पर्वत आता है कंचनजंगा, और कंचनजंगा दोस्तों जो भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जी हाँ सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद में दोस्तों सबसे जो पूर्व में पर्वत आता है वह है नामचा बरुआ पर्वत, और यह आप सभी को पता है जो नामचा बरुआ है वह अरुणाचल प्रदेश में, जी हाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो सबसे पूर्वी पहाड़ी है वह नामचा पर्वत है। इसके बाद में जो ये दोस्तों यहाँ से ये दक्षिण में घूम जाता है, और दक्षिण में घूमकर इसका नाम दोस्तों यह म्यांमार में जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, और यह जो स्थित है इसकी यह म्यांमार में है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए इसकी स्थिति म्यांमार में है। और बात की जाए पाकिस्तान को सुलेमान तथा कृतर पर्वत कहते हैं, जो महान हिमालय में दोस्तों जो पाकिस्तान में इधर जो पर्वत स्थित है इस प्रकार से पर्वत स्थित है इसे तो दोस्तों सुलेमान कहा जाता है, सुलेमान पर्वत तथा इसे कहा जाता है कृथर पर्वत, सुलेमान पर्वत या कृथर पर्वत। यह भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक धनुष की आकृति बना रहे हैं, जैसे नामचा प्रवासी घूम कर तो यह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला दक्षिण की तरफ उड़ती है, उसी क्रम में जो पाकिस्तान में जो सुलेमान और कृथर पर्वत है यह हिमालय का महान हिमालय का ही भाग है, और यह इसको दक्षिण की तरफ घुमाते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों आप देख चुके हैं यहाँ पे जो विश्व की सर्वोच्च शिखर है वह सभी महान हिमालय में स्थित, इसके बारे में देख चुके हैं। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं, इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे जो विश्व के हिमालय के सर्वोच्च शिखर, जी हाँ हिमालय के सर्वोच्च शिखर देखेंगे, जो भी दोस्तों ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में, जी हाँ ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में बात करने वाले हैं, जी हाँ घटते क्रम में। तो दोस्तों बात की जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जी हाँ माउंट एवरेस्ट। बात की जाए तो यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, जी हाँ 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह नेपाल देश में स्थित है। तो दोस्तों विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो दोस्तों नेपाल आता है। दोस्तों महाद्वीप में बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में आता है। फिर इसके बाद जो और इससे संबंधित क्या फैक्ट होते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जी हाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी विश्व की
सबसे ऊंची चोटी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। फिर अगला फैक्ट है, नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। जी हाँ, सागरमाथा कहा जाता है। तो दोस्तों, जो आपकी इस वर्ष जो एसएससी जीडी 2021 में वैकेंसी हुई, जो एग्जामिनेशन हुई है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेपाल में एवरेस्ट को वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, सागरमाथा कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2021 में पुटअप हो चुका है। तो दोस्तों, इसकी जो आगे की एग्जाम में पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी भी काफी अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। और इसी क्रम में दोस्तों बात की जाए तिब्बत में तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को चोमा लुंगमा कहा जाता है। जी हाँ, चोमा लुंगमा कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यह क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, अब आगे आने वाली हर किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट को दोस्तों तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है। तो तिब्बती भाषा में उसको कहा जाता है स्टूडेंट चोमा लुंगमा। जी हाँ, तो यहाँ से चोमा लुंगमा इसे कहा जाता है। और ये चोमा लुंगमा का दोस्तों जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ है वह है ब्रह्मांड या आकाश की देवी। जी हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड या दोस्तों आकाश की देवी। जी हाँ, ब्रह्मांड या आकाश की देवी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, देवी के रूप में माउंट एवरेस्ट की वहां पे इस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसके ऊपर बात करते हैं। हिमालय की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कंचनजंगा। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वह है 8,598 मीटर। जी हाँ, 8,598 मीटर। और इसकी स्थिति भारत में है, और भारत में भी दोस्तों इसकी स्थिति है जो सिक्किम राज्य में है। जी हाँ, सिक्किम राज्य में इसकी स्थिति है। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और दोस्तों, इसकी बात की जाए, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो कंचनजंगा है। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह K2 आती है, गोडवे 19, और जो कि पीओके में अभी हाल ही में स्थित है। इसके बारे में हम जो पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो अब यहाँ से बात करने वाले हैं। और यह बात की जाए कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि दोस्तों पहली चोटी माउंट एवरेस्ट है, फिर उसके बाद में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है वह कंचनजंगा है, जबकि जो K2 आती है गोडविन आइंस्टीन, यह है जो ट्रांस हिमालय का जो भाग काराकोरम लद्दाख जास्कर है, उसमें काराकोरम में स्थित K2 चोटी है, जो कि यह हिमालय से संबंधित नहीं है, वह ट्रांस हिमालय से संबंधित है। तो दोस्तों, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कंचनजंगा आती है, और विश्व की यदि दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 आती है। चलिए, यहाँ पे आप सभी के सामने इसका तथ्य भी रख दिया जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो पहली तो आती है माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है, माउंट एवरेस्ट। फिर दूसरे नंबर पर विश्व में आती है K2। K2 का नाम है गोडविन ऑस्टिन। जी हाँ, गोडविन ऑस्टिन इसका नाम है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात की जाए तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ से आप सभी के सामने कंचनजंगा है। जी हाँ, कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। जी हाँ, सिक्किम में स्थित है। K2 की बात की जाए तो यह पीओके में, जी हाँ, पीओके में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो यह नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ से एक बार फिर से आप सभी का कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आपका किसी प्रकार की दोस्तों यहाँ से कंफ्यूजन ना रहे। जब क्वेश्चन हिमालय के संदर्भ में पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट आती है। और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा आती है। और क्वेश्चन जब विश्व के संदर्भ में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और फिर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह K2 है, जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। जी, और
इसका जो नाम है वह है गोडविन ऑस्टिन, और जो भारत विश्व की सब तीसरी सबसे ऊंची चोटी आती है अपनी कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों यहां से इसका यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं विश्व की तीसरी सबसे या हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो है मकालू। जी हाँ, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है मकालू, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। जी हाँ, नेपाल में स्थित है। फिर उसके बाद में हिमालय की चौथी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है धौलागिरी। जी हाँ, धौलागिरी, और धौलागिरी की ऊंचाई की बात की जाए तो 8,172 मीटर है और यह भी नेपाल देश में स्थित है। हिमालय की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है मनसालू। जी हाँ, हिमालय की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है मनसालू, और मनसालू की ऊंचाई 1,554 मीटर है और यह भी नेपाल में स्थित है। फिर आता है नंगा पर्वत। जी हाँ, नंगा पर्वत आता है, और नंगा पर्वत की स्थिति आप सभी को पता है, जो पीओके में है। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर आती है और यह भी दोस्तों यह जो है पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। हिमालय की सातवीं सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो सातवीं सबसे ऊंची चोटी आती है अन्नपूर्णा। जी हाँ, अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वह 7,880 है और यह भी दोस्तों नेपाल जो देश है इसमें स्थित है। और अब बात की जाती है हिमालय की आठवीं सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर। जी हाँ, 7,817 मीटर है और यह भारत में स्थित है। भारत के भी दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब इससे संबंधित फैक्ट के बारे में बात करें कि नंदा देवी है, नंदा देवी को कुमाऊ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। जी हाँ, कुमाऊ हिमालय की, कुमाऊ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि कुमाऊ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए नंदा देवी। और क्वेश्चन इस संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी, स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों भारत में स्थित सबसे पहली जो ऊंची चोटी है वह तो आती है पहले नंबर पर कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। फिर दूसरे नंबर पर आता है भारत में स्थित जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है नंदा देवी। तो दोस्तों आपसे यह भी पता होना चाहिए यह भारत में स्थित है। जी हाँ, भारत में स्थित है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है उस पर चर्चा कर चुके हैं। केटू है जो गोडविन ऑस्टिन, जो पीओके में स्थित है, और वह ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम है उसका दोस्तों भाग उसमें स्थित है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपसे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बिल्कुल एक सिंपल वे में बिल्कुल समझाया गया है कि जो क्रम है इनका वह भी पहली जो हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर उसके बाद मकालू, धौलावीरा, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत और नंदा देवी। और नंदा देवी है जो कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, या इसे भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची चोटी तो वह कंचनजंगा, और इसी क्रम में दूसरी की बात की जाए तो वह नंदा देवी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपका किसी प्रकार की ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वीडियो को दोस्तों जितना ज्यादा चाहे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सभी के जो साथी हैं जो और भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप जब कभी भी हमारे जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपके साथ फुल एनर्जी के साथ जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों लगे रहेंगे। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए दोस्तों, यह भी थोड़ा जरूरी होता है कि हमारा भी दोस्तों यहाँ पे जो मोटिवेशन बना रहे, इसलिए आपको बार बार कहा जाता है। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए अब आगे के तथ्य पे बात करते हैं। आगे का तथ्य है कि महान हिमालय के ग्लेशियर पे बात करेंगे। जी हाँ, महान हिमालय के ग्लेशियर पे बात करेंगे। तो महान हिमालय में जो ग्लेशियर है उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो महान हिमालय की स्थिति है उसको हमने देखा था कि वह इस प्रकार एक धनुषाकार इसकी स्थिति है। इसमें सबसे पहले ग्लेशियर पे बात करेंगे, एक ग्लेशियर यहाँ पे आता है, फिर एक ग्लेशियर यहाँ पे, फिर एक ग्लेशियर यहाँ पे आएगा दोस्तों, फिर एक ग्लेशियर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, और फिर एक ग्लेशियर यहाँ पे और एक ग्लेशियर यहाँ पे। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं इन ग्लेशियर से। तो यह जो ग्लेशियर है यह यमुनोत्री ग्लेशियर है। जी हाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर है। फिर उसके बाद में यह जो ग्लेशियर है यह गंगोत्री ग्लेशियर है। जी हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर है। और यह केदारनाथ ग्लेशियर है। जी हाँ, केदारनाथ ग्लेशियर है। यह बद्रीनाथ ग्लेशियर है। जी हाँ,
यह है बद्रीनाथ ग्लेशियर है। दोस्तों आप जो बिल्कुल यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाए जा रहे हैं, क्योंकि हम जब कभी भी कोई जो टॉपिक समझते हैं उसको चित्र और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो हमें काफी लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए दोस्तों मेरी यहाँ से जो कोशिश होने वाली है कि आपको बिल्कुल इस क्लास में ही जो पढ़ाया जाए वह यही याद हो जाए, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ज्यादा डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। जेमू हिमनद ये दोस्तों सभी जो ग्लेशियर है तो आप सभी को पता है ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर वह स्थान होता है जो चारों तरफ बर्फ से ढका हो, और यह बर्फ ही दोस्तों जब धीरे धीरे पिघलती है तो यहाँ से ही नदियों का उद्गम होता है। तो दोस्तों बात करें जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, जी हाँ गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, केदारनाथ से जो नदी निकलती है उसका नाम मंदाकिनी है, जी हाँ मंदाकिनी नदी निकलती है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से दोस्तों अलकनंदा, जी हाँ अलकनंदा नदी निकलती है, और जो मिलान ग्लेशियर है इससे काली नदी निकलती है, जी हाँ काली नदी निकलती है, और जो गोसाई धाम है इससे दोस्तों जो नदी निकलती है वह कोसी नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है, और जेमू हिमनद से दोस्तों तिस्ता नदी निकलती है, तो तिस्ता नदी का उद्गम स्थान जेमू हिमनद है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात की जाती है जो यमुना नदी से लेकर जो काली नदी है, जी हाँ सॉरी दोस्तों यमुना नदी से लेकर जो काली नदी है यह जो भारत के उत्तराखंड राज्य में निकलती है, और जो कोसी नदी है कोसी नदी नेपाल देश में बहती है, फिर उसके बाद जो तिस्ता नदी है तिस्ता नदी भारत के दोस्तों सिक्किम राज्य में बहती है। तो आपको दोस्तों यह मैं आशा करता हूँ यह डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमने दोस्तों महान हिमालय पर बात कर ली है, अब आगे बढ़ेंगे और जो दूसरा पार्ट है मध्य हिमालय पे चर्चा करने वाले हैं, जी हाँ मध्य हिमालय पे चर्चा करेंगे। तो मध्य हिमालय पे चर्चा करने में सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके उपनाम, तो मध्य हिमालय का उपनाम है निम्न हिमालय या लघु हिमालय भी इसे कहा जाता है, जी हाँ निम्न हिमालय या लघु हिमालय भी जो मध्य हिमालय है इसे ही कहा जाता है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं इससे संबंधित फैक्ट की, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, जी हाँ मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है वह है 3800 से 4200 मीटर, जी हाँ 3800 से 4200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, जहां महान हिमालय की औसत ऊंचाई आप सभी के सामने 6000 मीटर के समथिंग आ रही थी, वही जो मध्य हिमालय आते ही दोस्तों जिसकी औसत ऊंचाई 3800 से 4200 मीटर हो जाती है, तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ऊंचाई में कितना अंतर आया है, कि जो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि विश्व की सर्वोच्च शिखर है जो महान हिमालय में स्थित है इसीलिए कहा जाता है। तो चलिए अन्य फैक्ट के बारे में बात करें, तो जो मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, जी हाँ मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मध्य हिमालय है इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर जो क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप कर सकता है उसका उपनाम से क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप हो सकता है। और जो मध्य हिमालय में बात की जाए यहाँ से मध्य हिमालय में तो अनेकों अनुप्रस्थ घाटियां है, जी हाँ अनेकों अनुप्रस्थ घाटियां हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ मध्य हिमालय में अनेकों अनुप्रस्थ घाटियां हैं स्थित है। फिर उसके बाद में बात की जाए मध्य हिमालय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जी हाँ जो मध्य हिमालय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मध्य हिमालय है इसकी जो हर स्टेट में अलग नाम है, तो वह नाम क्या होने वाला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सॉरी दोस्तों जो महान हिमालय के ऊपर और फैक्ट पे बात की जाए, तो महान हिमालय वह मध्य हिमालय दार्जिलिंग के समीप आपस में जुड़ जाते हैं। तो इससे आशय है दोस्तों जो दार्जिलिंग की स्थिति वर्तमान स्थिति है जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जो महान हिमालय और मध्य हिमालय है आपस में जुड़ जाते हैं, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई 500 किलोमीटर की है, वह जो उत्तर पूर्व में आते आते इसकी जो औसतन जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर रह जाती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितने दोस्तों यहाँ पे यह उत्तर पश्चिम में चौड़ा है हिमालय, और जो कि
जो उत्तर पूर्व में यह काफी सकड़ा है, महान हिमालय और मध्य हिमालय दार्जिलिंग के समीप में आपस में आकर जुड़ जाते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो मध्य हिमालय की स्थिति, तो आपने देखा था कि जो महान हिमालय या जो वृहत हिमालय है दोस्तों, उसकी स्थिति इस प्रकार धनुषाकार की हुआ करती थी, तो धनुषाकार की हुआ करती थी। और अब बात करते हैं हम इसकी जो मध्य हिमालय की, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे एक पर्वत आता है, एक पर्वत आता है, इसका नाम है पीर पंजाल। जी हाँ, इस पर्वत का नाम है पीर पंजाल। और पीर पंजाल की वर्तमान स्थिति जम्मू एंड कश्मीर है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर है। फिर उसके बाद में एक पर्वत आता है, इसका नाम है धौलाधार। जी हाँ, इस पर्वत का नाम है धौलाधार, धौलाधार पर्वत इसका नाम है। और यह भी मध्य हिमालय का भाग है और इसकी वर्तमान स्थिति एचपी हिमाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद में एक पर्वत आता है, जी हाँ, एक पर्वत यहाँ से आता है, इसका नाम है नागटीबा। जी हाँ, नागटीबा पर्वत है। और ये नागटीबा पर्वत की स्थिति है दोस्तों उत्तराखंड। जी हाँ, यूके। दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यह है उत्तराखंड दोस्तों, यह है उत्तराखंड में स्थिति है। फिर एक पर्वत आता है महाभारत। जी हाँ, महाभारत, यह महाभारत आता है। और महाभारत की जो वर्तमान स्थिति है वह है दोस्तों नेपाल में है। जी हाँ, महाभारत पर्वत है नेपाल में है। तो अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं, यह मध्य हिमालय के दोस्तों कहा जाता है आपको कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है, जबकि जो मध्य हिमालय को जो हिमाचल प्रदेश में है, जिसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, इसको हिमाचल में धौलाधार कहा जाता है। उत्तराखंड में मध्य हिमालय को नागटीबा पर्वत कहा जाता है, जबकि नेपाल में जो मध्य हिमालय को दोस्तों महाभारत, जी हाँ, महाभारत पर्वत कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों जो यहाँ पे जो ये स्थान दिया गया है, यहाँ से हम बात करें स्थान की, तो यह जो महान हिमालय और जो पीर पंजाल पर्वत के मध्य के जो स्थान है या जो घाटी है, यह घाटी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों जो यहाँ पे मध्य हिमालय का पीर पंजाल और बाह्य हिमालय की जो दोनों पर्वत मिलकर एक घाटी का निर्माण करते हैं, और उस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। जी हाँ, उस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। इसी प्रकार जो वृहद हिमालय और जो धौलाधार है, वह हिमाचल प्रदेश में मिलकर एक घाटी का निर्माण करते हैं, और इस घाटी का नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। जी हाँ, कुल्लू कांगड़ा घाटी इसका नाम है, कुल्लू कांगड़ा घाटी इसका नाम है, कुल्लू कांगड़ा घाटी। और यह भी जो मध्य हिमालय का धौलाधार पर्वत है वह, और वृहद हिमालय के द्वारा इसका निर्माण होता है। फिर बात करें वृहद हिमालय और जो उत्तराखंड में जो नागटीबा पर्वत है, जो कि मध्य हिमालय का भाग है, इसके द्वारा जो घाटी का निर्माण किया गया है वह है मंसूरी घाटी। जी हाँ, मंसूरी घाटी इसे कहा जाता है। एक दोस्तों इसका उपनाम और है, उपनाम है दोस्तों अगलर घाटी। जी हाँ, अगलर घाटी भी मंसूरी घाटी को ही कहा जाता है, अगलर घाटी भी इसे ही कहा जाता है। फिर जो नेपाल में वृहद हिमालय और जो मध्य हिमालय का पर्वत महाभारत पर्वत है, उसके द्वारा एक घाटी का निर्माण किया गया है, उस घाटी का नाम है काठमांडू। जी हाँ, काठमांडू घाटी भी इसे ही कहा जाता है, काठमांडू घाटी भी इसे ही कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ से बात की जाए यह आप देख पा रहे हैं, यह है जो महान हिमालय है, महान या वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय है। और ये जो कटे छटे पर्वत के रूप में आप देख पा रहे हैं, इन पर्वत को दोस्तों मध्य हिमालय कहा जाता है। जी हाँ, मध्य हिमालय भी इसे ही कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो घाटियों का निर्माण किया गया है वह दोस्तों जो मध्य हिमालय के जो निर्माण से हुआ है, जो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, मंसूरी घाटी आप देख पा रहे हैं, जो मंसूरी घाटी है उत्तराखंड में, और काठमांडू घाटी नेपाल में है। अब दोस्तों इन घाटियों के समीप से दोस्तों जो महान हिमालय है, वहां से नदी का भी उद्गम होता है दोस्तों। यहां से यह पेन नहीं दिखने वाला आपको, इसलिए दोस्तों यहां से आप सभी के लिए पेन चेंज किया जाता है और पेन लेते हैं। और यहाँ से जो नदी का निर्माण होता है और ये नदी निकलती है, इस नदी का क्या नाम है? तो दोस्तों कश्मीर घाटी के समीप से दोस्तों झेलम नदी निकलती है। जी हाँ, झेलम नदी। और झेलम नदी के द्वारा ही कश्मीर घाटी का निर्माण किया गया है, इस प्रकार भी कहा जा सकता है। इसी क्रम में कुल्लू कांगड़ा घाटी दोस्तों जो बनाती है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है व्यास नदी। जी हाँ, व्यास नदी के द्वारा ही कुल्लू कांगड़ा घाटी बनाई जाती है। और दोस्तों मंसूरी घाटी कौन सी नदी बनाती है? तो जो मंसूरी घाटी है वह यमुना नदी बनाती है। जी हाँ, यमुना नदी के द्वारा ही जो मंसूरी घाटी बनाई जाती है। और नेपाल में दोस्तों जो बागमती नदी के द्वारा ही जो नेपाल में काठमांडू घाटी का दोस्तों निर्माण किया गया है, तो यहाँ से यह आता है बागमती नदी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि
कि किस प्रकार से दोस्तों जो महान और वृद्ध हिमालय है तथा मध्य हिमालय का जो कटा छटा भाग है, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार है, उत्तराखंड में नागटीबा है, जबकि जो नेपाल देश के अंदर जो महाभारत मध्य हिमाचल हिमालय का भाग है, तो इन दोनों के दोस्तों जो मध्य में स्थान है उसे घाटी कहा जाता है, जिस घाटी को जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, जबकि जो उत्तराखंड राज्य है उसमें मंसूरी घाटी या दोस्तों इसका अन्य नाम और है अगलर घाटी भी इसे कहा जाता है। और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में काठमांडू घाटी भी दोस्तों महान वृद्ध हिमालय और मध्य जो हिमालय का पर्वत महाभारत है उसके अनुसार की जाती है। फिर इनसे निकलने वाली नदियों की बात की जाए तो कश्मीर घाटी से झेलम या कश्मीर घाटी का निर्माण झेलम नदी से हुआ है, कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण व्यास नदी से हुआ है, और मंसूरी घाटी या अगलर घाटी का निर्माण यमुना नदी से हुआ है। और काठमांडू घाटी की बात की जाए तो इसका निर्माण जो महान हिमालय से निकलने वाली बागमती नदी से होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से बिल्कुल समझ चुके होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का बिल्कुल 100% समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कश्मीर घाटी से किस प्रकार से और फैक्ट है उनके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को करेवा कहा जाता है। जी हाँ, करेवा कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि करेवा का किससे संबंधित है या कि करेवा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो कश्मीर घाटी में पीर पंजाल और जो वृहद हिमालय के निर्माण से दोस्तों जो यहाँ पे नदी झेलम नदी से कश्मीर घाटी का निर्माण होता है, और इस कश्मीर घाटी के अंदर ही जो हिमानीकृत चिकनी मिट्टी है, इस चिकनी मिट्टी को करेवा कहा जाता है। और दोस्तों जो ये करेवा मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। जी हाँ, केसर की खेती की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जो कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसे करेवा कहा जाता है, और जो करेवा मिट्टी है वह केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। इसीलिए दोस्तों सर्वाधिक जो केसर की कृषि कार्य किया जाता है वह कश्मीर घाटी में किया जाता है। तो दोस्तों और यहाँ पे कश्मीर में भी दोस्तों कौन सी किस्म की केसर का कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे इस करेवा मिट्टी में जाफरान केसर की किस्म की कृषि की जाती है। तो दोस्तों जो जाफरान केसर किस्म है इसकी जो सर्वाधिक खेती की जाती है वह कश्मीर घाटी में की जाती है, यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए जो महान हिमालय या वृद्ध हिमालय है तथा मध्य हिमालय जो कटा छटा अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत, इस प्रकार से मध्य हिमालय के मध्य स्थित मध्य समतल मैदानी भाग को, जी हाँ, समतल मैदानी घाटी के मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य जो समतल मैदानी घाटी के मैदान पाए जाते हैं तो उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बात की जाए सबसे पहले J&K जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इनमें जो ये खाली जो समतल मैदानी भाग है इन्हें मर्ग कहा जाता है। जी हाँ, मर्ग। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, यह दोनों स्थान है जो कि वृहद हिमालय और जो पीर पंजाल पर्वत के मध्य स्थित है, इसलिए इनको मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। जी हाँ, यूके यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में उनको बुग्याल कहा जाता है, पयाल कहा जाता है या बयार कहा जाता है। तो दोस्तों यह आपको उपनाम भी पता होना चाहिए कि जो महान हिमालय, वृहद हिमालय और जो मध्य हिमालय के मध्य जो समतल मैदानी घाटी है इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में बुग्याल, पयाल और बयार कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, हमने अब बात कर चुके हैं जो हिमालय का जो मध्य हिमालय भाग था उसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं बाह्य हिमालय के ऊपर बात करने वाले हैं। और बाह्य हिमालय को ही दोस्तों जो शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। शिवालिक हिमालय पे बात करने वाले हैं। शिवालिक हिमालय जो अस्तित्व कोसी नदी तक है, इसके फैक्ट के ऊपर बात की जाए तो जो शिवालिक हिमालय है
शिवालिक हिमालय का अस्तित्व है, हिमालय का अस्तित्व है कोसी नदी तक है। जी हाँ, शिवालिक हिमालय का अस्तित्व है जो कोसी नदी तक है। जी हाँ, कोसी नदी तक ही, नदी तक है। तो दोस्तों आगे यह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, कोसी नदी तक ही इसका अस्तित्व है। फिर इसकी दोस्तों बात की जाए औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई की बात की जाए कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई इसकी 1800 से 2200 मीटर है। जी हाँ, 1800 से 2200 मीटर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जहाँ महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर हुआ करती थी, जबकि मध्य हिमालय की ऊंचाई 4800 से दोस्तों यहाँ पे 3800 से 4200 मीटर हुआ करती थी, उसी क्रम में जो बाह्य हिमालय या जो शिवालिक हिमालय है इसकी जो सबसे औसत ऊंचाई है वह 1800 से 2200 मीटर हुआ करती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यदि ऊंचाई के आधार पर बात की जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत आता है महान हिमालय, फिर हिमालय के अंतर्गत ही बात करते हैं तभी दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, फिर उसके बाद में मध्य हिमालय, और फिर दोस्तों बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय आता है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब और इसके ऊपर फैक्ट के ऊपर बात करें तो शिवालिक सर्वाधिक असंपीड़ित अवसादों से निर्मित पर्वत श्रेणी है। जी हाँ, इसमें दोस्तों सर्वाधिक असंपीड़ित, यह सर्वाधिक असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। जी हाँ, अवसादों से निर्मित है। तो दोस्तों सर्वाधिक असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। फिर उसके बारे में बात की जाए तो शिवालिक है जो पाकिस्तान के कोटवाड़ पठार से भारत में कोसी नदी तक निरंतर पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके विस्तार की बात की जा रही है तो जो शिवालिक पर्वत है जो पोतवाड़ का पठार जो कि पाकिस्तान में है। जी हाँ, पाकिस्तान में है, पोतवाड़ के पठार से लेकर जो कोसी नदी तक ही इसका विस्तार इस रूप में बताया गया है कि जो पाकिस्तान में स्थित पोतवाड़ पठार से लेकर जो कोसी नदी तक ही इसका विस्तार है, फिर आगे इसका विस्तार हमें दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों बात की जाए जो शिवालिक पहाड़ियों को निम्न नामों से जाना जाता है, तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहली बात की जाती है कि जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ से आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि जम्मू पहाड़ियाँ जम्मू एंड कश्मीर में कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य में जो बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। फिर उसके बाद में बात करें जो चुरिया मुरिया पहाड़ियां किस राज्य में कहा जाता है, वह नेपाल देश में कहा जाता है। तो नेपाल देश में जो बाह्य हिमालय है शिवालिक हिमालय है, इसे चुरिया मुरिया की पहाड़ियां कहा जाता है। फिर उसके बाद में बात करें जो डाफला मिरी अबोर तथा मिशमी यह पहाड़ियां हैं, यह है जो अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। और जब दोस्तों हम पूर्वांचल हिमालय की बात करने वाले हैं तब इनका बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो आपको यह पता होना चाहिए जो बाह्य हिमालय है शिवालिक हिमालय है जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़िया, जबकि हिमाचल उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़िया कहा जाता है, और नेपाल जो देश है उसमें जो शिवालिक हिमालय को चुरिया मुरिया पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाती है तो डाफला मिरी अबोर तथा मिशमी नाम से यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं को दोस्तों बाह्य हिमालय के संदर्भ में जाना जाता है, शिवालिक हिमालय के संदर्भ में जाना जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर चुके हैं जो हिमालय के तीन भाग थे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय, इन तीनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विविध तथ्य पे, हिमालय से संबंधित विविध तथ्य पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय खराब करते हुए यहाँ पे हम तथ्य पे बात करते हैं। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है हिमालय का जो क्षेत्रफल। दोस्तों बात की जाए जो नंगा पर्वत से लेकर जो नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, फिर दोस्तों जो महान हिमालय, मध्य हिमालय और जो शिवालिक हिमालय, इन सभी का जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल मिलाकर 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद में बात की जाए कि पहले हिमालय की जगह टेटी सागर था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिमालय के निर्माण से पहले यहाँ पे पहले टेटी सागर हुआ करता था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। तो दोस्तों यह तो आपको पता है और हम बात भी कर चुके हैं। हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि हिमालय का
गर्भगृह किसे कहा जाता है? हिमालय का गर्भगृह। तो दोस्तों यहाँ से गर्भगृह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है हिमालय की उत्पत्ति टैटी सागर से हुई है, तो इसका गर्भगृह भी दोस्तों टैटी सागर होने वाला है। जी हाँ, टैटी से सागर है, इसका गर्भगृह होने वाला है। फिर इसके बाद में हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश से, हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश दोस्तों जो ट्रांस हिमालय पे हमने बात की थी, ट्रांस हिमालय इसका वृष्टि छाया प्रदेश है। यह किस क्रम में है? तो उस पर बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात करने वाले हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, जी हाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृष्टि छाया प्रदेश की। तो दोस्तों यहाँ पे पर्वत इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे होते हैं। यह है दोस्तों एक सिंपल वे में चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे है काराकोरम, फिर यहाँ पे है लद्दाख, फिर यहाँ पे है जास्कर, फिर उसके बाद में आता है महान हिमालय, फिर आता है दोस्तों मध्य हिमालय, और फिर आता है लघु या शिवालिक हिमालय, फिर यहाँ पे उत्तर का मैदान आता है, फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है, और फिर यहाँ से जो समुद्र तल आता है इधर दोस्तों समुद्र आ जाता है। तो जब हवाएं यहाँ से समुद्र से पानी लेकर इस तरफ चलती है समुद्र से पानी लेकर हवाएं इस प्रकार आगे की ओर जाती है, तो यह समुद्र के इस भाग से टकरा कर, जी हाँ इस ऊंचे भाग से टकरा कर यहाँ पे अपनी जो भी पानी होता है या जो बरसात होती है दोस्तों यहाँ पे कर दी जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा आती है दोस्तों जो कि हिमालय से टकरा कर इधर के जो हिमालय के क्षेत्रों में हो जाती है। यह हवाएं जब क्रॉस करके इस हिमालय को क्रॉस करके जब आगे जाती है तो दोस्तों इसमें पानी की मात्रा कम होती है और यहाँ पे वर्षा है दोस्तों बिल्कुल नाक के बराबर होती है। तो इस ऊंचे भाग के विपरीत साइड में, जी हाँ इस ऊंचे भाग के विपरीत साइड में जो भी क्षेत्र आता है इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। जी हाँ वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश जो कि समुद्र से हवाएं पानी लेकर जो जाती है और फिर जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकरा कर उस पर्वतों के दोस्तों जो चढ़ने वाले स्थान पर ही वर्षा कर दी जाती है। माफ कीजिएगा दोस्तों, जो वर्षा इस समुद्र के दोस्तों हवाएं से लेकर पर्वतों की ओर जाती है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकरा कर यही वर्षा करवा देती है। तो यहाँ पे वर्षा करवाने के कारण ही जो हवाएं पर्वत को पार करके दोस्तों दूसरी तरफ जाती है तो यहाँ वहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है और वर्षा वहाँ नैक के बराबर होती है। इसीलिए दोस्तों जो पर्वत के दूसरी तरफ का हिस्सा है उसे वृष्टि छाया प्रदेश, पर्वत के एक तरफ जो हिस्सा है उसमें सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है और जो उसके पीछे का हिस्सा होता है उसमें वर्षा नहीं होती है। तो दोस्तों हमने देखा और मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से जो वृष्टि छाया प्रदेश है वह समझ चुके होंगे और वृष्टि छाया प्रदेश के साथ साथ दोस्तों जो आप सभी को जो यहाँ पे हिमालय का दर्शन कराया गया है, जी हाँ बिल्कुल आपको हिमालय का दर्शन कराया गया है, बिल्कुल एक एक पर्वत के बारे में, एक एक चोटी के बारे में, एक एक घाटी के बारे में, किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तमाम प्रकार के दोस्तों हिमालय से पुटअप होने वाले सभी क्वेश्चन, चाहे इसका क्षेत्रफल हो, इसकी लंबाई हो, विश्व की सबसे लंबा पर्वत हो या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो, भारत में सबसे ऊंची चोटी हो या भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो, तमाम प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चनों को आपके सामने रखा गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है और यदि वास्तव में ही आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भाई बंधुओं के पास भी यह वीडियो पहुंच सके और वह भी अपनी जो तैयारी है उसको दोस्तों अग्रणी रूप से चालू रख सके। तो दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप जब कभी भी हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलने के साथ ही हम आप सभी के साथ आपकी जब तक CGL की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपको बैक टू बैक दोस्तों मैराथन क्लासेज मिलने वाली है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और यहाँ पे शेयर कीजिएगा और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक बार फिर से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे अलविदा लेने का, अब मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद जय भारत।